सुजानगढ़ के नया बास स्थित राज्य के झौर उच्च माध्यमिक स्कूल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत शूटिंग बॉल का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें मलसीसर व गुडावड़ी की टीमों के मध्य भिड़ंत हुई। मलसीसर की टीम ने कप्तान गुलाब सिंह के सानिध्य में मैच को 15-2, 15-4 से जीत लिया। ब्लॉक स्तर पर विजेता रही मलसीसर की टीम अब शुरू जिला स्तर पर सुजानगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं कार्यक्रम में प्रिंसिपल कुसुम शर्मा, शारीरिक शिक्षक गुरुदेव गोदारा, रामलाल गुलेरिया आदि लोगों ने विजेता टीम को बधाइयां दी। वहीं मलसीसर के कप्तान गुलाब चंद ने विश्वास जताया कि हमारी टीम जिले में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। जीत की तो ऐसे है कि हमारी काफ़ी साल से टीम अच्छी है वैसे मलसीसर की, और ये सामने जो फाइनल की टीम थी गुडावड़ी, वो उनमें अनुभव की कमी थी थोड़ी, इसलिए हमने जीत की। और हम कोशिश करेंगे चूरू में फाइनल जीतने की और जयपुर में अच्छा गेम दिखाने। मुकाबला बहुत अच्छा था, गुडावड़ी और मलसीसर की दोनों की टीम अच्छी थी। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा चालू की गई है राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं, बहुत ही मतलब अच्छी है। हमारे राजस्थान में अच्छे खिलाड़ियों का इससे क्या होगा, चयन होगा, और हम राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर पाएंगे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोडसर के पास ट्रक व कार की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। टीम हरे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि 108 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां से मनोज को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया, जबकि चेतन और विक्रम नामक व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। तीनों घायल लक्ष्मणगढ़ के निवासी। आपको बता दें, सड़क हादसे में लोडसर गांव के पास इनोवा कार के अगले हिस्से के ट्रक की टक्कर से परखच्चे उड़ गए थे। अभी लोडसर के पास हुआ था, जिसमें एक इनोवा गाड़ी थी, उसके अंदर 5-6 जने सवार थे और वो लाडनू की तरफ जा रहे थे लक्ष्मणगढ़ से, और ट्रक दूसरी साइड से सामने से आ रहा था, तो उनकी ज़बरदस्त टक्कर लोडसर गांव के पास हुई, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई थी, एक को आँख में ज़्यादा चोट आई, उसको आगे रेफर किया गया है। और गनीमत रही कि कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब गाड़ी को कंडीशन देखी तो गाड़ी मतलब एकदम आगे से ख़त्म हो चुकी थी, और उसमें एक महिला और 2 बच्चे भी थे साथ में, उनके बिल्कुल भी चोट नहीं आई, और तीनों को सुजानगढ़ हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ से एक जो घायल था ज़्यादा, उसके आँख में चोट लगी थी, उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा है कि पुष्कर में मंत्रियों पर जूते चप्पल फेंकने की घटना राजनीतिक दलों द्वारा सचिन पायलट को बदनाम करने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। पोसवाल ने जारी प्रेस बयान में बताया कि विजय बैसला और बीजेपी के कुछ नेता कार्यक्रम से पहले कई बार मुलाकात कर चुके थे। कांग्रेस सरकार सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबराई हुई है, इसलिए दोनों दलों के नेताओं ने पुष्कर में जो करवाया वह चिंतनीय है, लेकिन इसका सचिन पायलट से कोई लेना देना नहीं है। पोसवाल ने कहा कि सचिन पायलट काफ़ी सुचितापूर्ण राजनीति करने वाले राजनेता हैं और उनकी लोकप्रियता दोनों दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। पोसवाल ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार के आदेश पर आरक्षण आंदोलन में गुर्जर समाज के 72 युवाओं की जान ले ली गई हो, उसी पार्टी के लोग अगर पुष्कर के कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं तो यह समाज के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। कल कर्नल साहब के अस्थि विसर्जन और जन्मदिन पर जो पुष्कर का कार्यक्रम था भव्य, उसको प्रदेश और देश की राजनीति ने विफल करने की बड़ी कोशिश की, और ये व्यूहरचना पिछले 1 महीने से बन रही थी। हम लोग समाज को चेता भी रहे थे और लीडरों को भी हमने चेताया कि पुष्कर में ऐसा हो सकता है, ये हमें पहले से आशंका थी। मंत्री और कई विधायक, कई पूर्व मंत्री पायलट साहब पे आक्षेप लगा रहे हैं, समाज पे आक्षेप लगा रहे हैं। मैं पथिक सेना संगठन से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश है, और इसकी व्यूहरचना 10 अगस्त को बनी है, 29 अगस्त को कोटा में बनी है, उससे पहले पुष्कर में बनी है, और कई राजनेता उसमें शामिल थे कांग्रेस और बीजेपी की। एक बोर्ड का चेयरमैन पिछले 4 दिन से पुष्कर में बैठा है, उसने पूरी ये व्यूहरचना राजस्थान सरकार के निर्देशन में रची है, मैं खुल के ये कह रहा हूँ। वहीं भाजपा के जो नेता है, ओम बिड़ला से कई बार विजय बैसला जी की बात हुई है, और जो लोग पुष्कर में 3 दिन पहले से जाकर के बैठ गए थे, गैर गुजर राजनेता, उन्होंने पूरी पूरी इस कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की। पायलट, शकुंतला जी रावत, अशोक जी चांदना, उनको बदनाम करने की, हमारे समाज को बदनाम करने की, ये जो भव्य कार्यक्रम जो गुजर समाज को जन समर्थन मिल रहा था 36 बिरादरी का और SBC का पूरे राजस्थान में,
इससे राजनीतिक दल आहत थे और उन्होंने इसको विफल करने के लिए, गुर्जर समाज को कमज़ोर करने के लिए, गुर्जर समाज के नेताओं को कमज़ोर करने के लिए एक राजनीतिक साजिश थी। इसमें पायलट का कोई हाथ नहीं है। सचिन पायलट जी बहुत बड़े लीडर है, पूरे विश्व में वो जाते हैं, भावी भारत का वो भविष्य हैं और युवाओं का आइकॉन है हिंदुस्तान में। वो बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, ऐसी ओछी हरकत वो कदापि नहीं कर सकते।